12 से 13 लाख रुपया का इसमें लगाए हैं जो इलाइट के लिए बाहर से बाहर हुआ है, ये बेंगलोर में हुआ है और ये हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सब लोग के लिए ये बहुत मैंने अब फख्र की बात है। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान रहता है हम पे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के 14 करोड़ माता बहने भाई बंधु मित्र सबका ध्यान रहता है, आप लोग का भी ध्यान रहता है, हमारे मीडिया भाई लोग का, तो बस इतना प्यार मिले तो फिर डरने की कहां सी बात है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। गोल्डन मैन ऑफ बिहार ने एक नया कारनामा किया है। वैसे तो ये हमेशा जो है वो कई किलो सोना जो है वो पहने हुए रहते हैं, अभी भी पहने हुए रहते हैं, लेकिन अब इन्होंने अपनी बुलेट को ही सोने का बना दिया है। देखिए इस वक्त सवारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, शाम का वक्त है, शाम ढलने को है। और ये क्या प्रेम जी, आपने पूरे ये क्या ये सोने का है या कि डुप्लीकेट माल है ये? देखिए सबसे पहले तो आपका चैनल के दर्शकों को गोल्डमैन के तरफ से दिल से प्रणाम है। ये आपको भी पता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी है मैंने सच के साथ चलते हैं। आईसी के चलते पूरा बिहार के 14 करोड़ माता बहने भाई बंधु प्यार देते हैं, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। इसमें 250 ग्राम इसमें सोना लगाए हैं, इसमें कि तबे ऐसा हो सकता है। 250 ग्राम सोना या मुझे मेरे हिसाब से तकरीबन 10 से 12 लाख, हाँ 12 से 13 लाख रुपया का इसमें लगाए हैं जो इलाइट के लिए। अब दिखा सकते हैं हमारे भाई लोग बंधु लोग को कि मैंने एकदम गोल्ड का ही एकदम लाइट है, और जब तक नहीं डालते नहीं आता। और ये हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सब लोग के लिए ये बहुत मैंने अब फख्र की बात है कि हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन के राज में देह पर तो था ही, ये गाड़ी में भी गोल्ड अब लगने लगा। पहले हम देखते थे सुनते थे कि महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ, लेकिन आज अब बिहार में कौन किसी राज्य से कम नहीं है। ये तो आप देखिए रहे। एक बात बताइए, वैसे तो आप अपने पूरे शरीर में सोना धारण किए ही रहते हैं, अभी भी देख सकते हैं अंगूठी है और ये सब ब्रेसलेट है, सब कुछ तमाम चीज़ें सोना का जो है वो प्रेम कुमार जो है वो धारण किए हुए हैं। ये बताइए आपको पहले भी डर नहीं लगता? हमने कई इंटरव्यूज में किए हैं, अब बुलेट चलाएंगे सोने का तो कुछ भी नहीं लगता आपको? पटना के सर क्या पटना में ही चलाना है, घर से थोड़ी दूर जाना है इसलिए है, या कि बाहर भी इसी निकल जाएंगे बुलेट से? अब तो आप देखे हैं आज से नहीं, हम तकरीबन 7-8 साल से आज गोल्डमैन का ये जो प्यार मिला है हमको, और प्रत्यक्ष की प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष की प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि हम डरते नहीं हैं। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान रहता है हम पे, भट्टी जी जो DGP हैं उनका भी ध्यान रहता है, सीनियर SP हैं राजीव मिश्रा जी उनका भी ध्यान रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के 14 करोड़ माता बहने भाई बंधु मित्र सबका ध्यान रहता है, आप लोग का भी ध्यान रहता है, हमारे मीडिया भाई लोग का, तो बस इतना प्यार मिले तो फिर डरने की कहाँ सी बात है। नहीं डर लगता, नहीं डर लगता है प्रेम कुमार को। ये बताइए कि आपने ये गाड़ी को मॉडिफाई कहाँ करवाया, बिहार से बाहर या बिहार में ही हो गया ये? नहीं नहीं, बिहार से बाहर हुआ है, ये बेंगलोर में हुआ है। अच्छा। बेंगलोर से होके आया। अच्छा, ये बाइक यहीं की थी, आपने इस बाइक को बेंगलोर भेजा, वहाँ पर कितना वक्त लगा मॉडिफाई करने? मोटा मोटी लग गया है तकरीबन 1 साल। 1 साल? 1 साल लग गया, 1 साल के बाद आया है मेरे पास। अच्छा, आपने ऑर्डर किया था कि हाँ भाई इतना ग्राम सोना इसमें लगा दीजिए, साइन करें, और उसके बाद तकरीबन 1 साल लग गया? 1 साल, 1 साल। अच्छा, 1 साल लगा, और वो जो महताब लड़का है उसी के मैंने सहयोग से ये काम हुआ है। कौन है महताब? हाँ, वो मोहन बुलेट वाला है, उसी के सहयोग से ये काम हुआ है। तो मतलब कि अगर किसी और को बिहार में अगर ये करवाना हो इस तरीके की बुलेट सोने से पूरी तरीके से मॉडिफाई, तो 1 साल का वक्त लगेगा, और बेंगलोर में होता है ये काम और प्रेम जी ने ये करवाया है। विजुअल भी हम आप पैच कर रहे हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम जी जो हैं वो सोने की बुलेट लेकर सवारी करते हुए भी जो है वो दिख रहे हैं, और कह रहे हैं कि डर बिल्कुल ही नहीं लगता है। अब तो लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बुलेट का इस्तेमाल होगा चुनाव में? जरूर, हम तो ये आपको पता है कि हम कोई पार्टी से नहीं है। नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है। देखिए ये भी आप ही की गाड़ी है, और आप गाड़ी में नीतीश कुमार के बगल में हैं आप।
ये तो विकास पुरुष हैं, हमारे बिहार को बदल दिए हैं, हमारे लोग को बदल दिए हैं। अब तो उनका तो ये आइडियल है, सबको मानना चाहिए। अच्छा, हम आप ही से पूछ रहे हैं, मीडिया वाले आप हमसे बेहतर समझते हैं, नीतीश कुमार जी विकास किए हैं कि नहीं, किए हैं कि नहीं, ये सवाल है आपसे, निज फाउंडेशन से ये सवाल है मेरा कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास किए हैं कि नहीं, बिहार को बदले हैं कि नहीं, बताइए। आपको क्या लगता है, आप आसपास रहे होंगे, देखिए नीतीश कुमार तकरीबन अब लगभग 20 साल होने को हैं, आसपास की चीज़ों को देखकर, सड़कों को देखकर आप हमसे ये सवाल करें तो आप भी ये बता सकते हैं क्या हुआ है, आप हमसे क्यों? हम तो पूरा बिहार को बता दिए हैं। हम तो रोज उनका नाम जपते हैं, आज 10 साल से भी, आपको पता है। रोज मेरा इंटरव्यू होता है लगभग, हम ये बताते हैं। लेकिन आप मीडिया वाले, आपका भी अधिकार है, आप भी देखे हैं। कहाँ कहाँ तक गए हैं ये सोने वाली बुलेट को लेकर? अब ऐसे शहर में घूमे हैं, हाईवे पे जाइएगा? नहीं, अभी तो हाईवे पे नहीं गए हैं। जाइएगा कि नहीं जाइएगा? एकदम जरूर जाएंगे। हाँ। हमारे बिहार के एकदम प्रशासन हम पे नजर रखती है, हमको डर नहीं लगता है, हम कहीं भी जाएंगे और कहीं भी जाते हैं। वीर बाकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से है और हमको डर नहीं लगता है। चलिए, ये प्रेम कुमार है, गोल्डन मैन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। सोना तो हमेशा धारण किए हुए रहते ही हैं सालों से, लेकिन अब इन्होंने अपनी बुलेट को भी सोने का बना दिया है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।